हेलो दोस्त, रेलवे एलपी टेक्नीशियन परीक्षा 1/18 में बधाई प्लस शुभकामनाएँ। एलपी प्रोविजनल पैनल के पास ज्वाइनिंग डेट आ चुका है, तो आप सबका कमेंट आते रहता है कि एलपी की ज्वाइनिंग कब मिलेगी, तो कौन से आरआरबी का, तो मालदा का और डिवीज़न आपका, डिवीज़न कह सकते हैं आसनसोल और मालदा है, लेकिन जोन कहेंगे तो ईस्टर्न रेलवे का है। इसमें ट्रेनिंग स्टार्ट का डेट भी दे दिया गया है। कुछ लोगों ने जो कमेंट करके भेजा था कि यहाँ पे 50 लोगों का कैंडिडेट का पैनल अलॉटमेंट हुआ है, हालांकि 50 और 42 टोटल 92 लोगों का ये पैनल में नाम है, दो अलग अलग सेक्शन में दिया हुआ है, इसलिए लोगों ने 50 का ही देखा, लेकिन देख सकते हैं आप पूरी हम दिखाएँगे यहाँ लिस्ट पर। तो आसनसोल और मालदा डिवीज़न अलॉट हुआ है, तो डिवीज़न अलॉटमेंट प्लस एलपी ज्वाइनिंग प्लस आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट, तीन चीज़ों की खुशखबरी एक साथ है। तो चलिए इसे देखते हैं कहाँ है वो लिस्ट। तो एक लिस्ट ये आ रहा है सबके पास है, हालांकि ये रेलवे की रिपोर्ट है ईस्टर्न रेलवे का, जिसके आप देखेंगे तो डेटेड दिया हुआ है 24 का, आते आते टाइम लगा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोविजनल पैनल असिस्टेंट लोको पायलट ग्रेड इतना इतना दिया हुआ है, जिसके अनुसार से जो आरआरबी मालदा की पैनल आई थी कब की, कैटेगरी 1 और 2 के लिए 17/10/19 का, उस पैनल से 42 लोगों का नाम यहाँ पे शामिल किया गया है असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। तो यहाँ पे ग्रेड पे देख सकते हैं पूरी डिटेल दिया हुआ है, आप बाकी सारी चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन डिवीज़न आसनसोल और मालदा दो ही डिवीज़न अलॉटमेंट है। डिवीज़न की बात करेंगे तो, और जोन की बात करेंगे तो जोन आपका ईस्टर्न रेलवे, आप देख ही चुके हैं कि ईस्टर्न रेलवे का है, ऊपर में भी आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पर कह रहा है पूरी डिटेल में आप एक एक करके छानबीन करेंगे, टोटल डिटेल देखेंगे तो कह रहा है कि एज अप्रूव्ड बाई कंपटेंट ऑथोरिटी फिर फॉलोइंग कैंडिडेट हैज़ बीन अलॉटेड मैकेनिकल विंग ट्रैक्शन डिपार्टमेंट, जो आपका इलेक्ट्रिकल में एलपी कैटेगरी 1 इलेक्ट्रिकल का था, कैटेगरी 2 किसके लिए था, तो मैकेनिकल का, तो मैकेनिकल का है ट्रैक्शन। डिवीज़न 4 पेपर, डिवीज़न पैनल पेपर 4 कैंडिडेट हेयर विथ अपॉइंटमेंट टू ऑब्जर्व प्री रिक्रूटमेंट क्या है फॉर्मेलिटी, पूरी फॉर्मेलिटी आपको पूरा करना है, उसकी डेट भी दिया हुआ है, साथ में बोला गया है कि कुछ डॉक्यूमेंट भी चाहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आपका करेक्टर का चाहिए, उसके बाद आपका है ओरिजिनल मार्कशीट, उसके बाद वगैरह वगैरह, हालांकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले ही हो चुका है, लेकिन अगर मांगा जाए तो ये आपको देना पड़ेगा। तो पहले 42 लोगों में 10 लोगों को आसनसोल और 32 लोगों को मालदा डिवीज़न अलॉट हुआ है, जिसमें आप यहाँ लिस्ट से देख सकते हैं। और मैक्सिमम एक डिटेल बता जाए दिया जाए कि यहाँ मैक्सिमम लोग यूआर से ही हैं, तो पहले सीरियल नंबर, रोल नंबर, कैंडिडेट का नेम, फादर नेम, कम्युनिटी किससे हैं, लेकिन कौन से पोस्ट में उनका मिला है, यूआर के अगेंस्ट मिला है, वो है प्लेस्ड ऑन पोस्टिंग वगैरह, जो डिवीज़न डिनोट कर रहा है, MLDT मालदा है और AASN आसनसोल है। ये पूरी डिटेल में देखिएगा, तो एक एक करके लोगों को आप नाम देखेंगे तो ये डिटेल में आएगा, लेकिन पूछिएगा आपको जब लिस्ट ख़त्म होगा 42 में, तो आपको पास एक प्रश्न आएगा, कौन सा प्रश्न आएगा कि इनकी ज्वाइनिंग कब होगी। तो ज्वाइनिंग के लिए बोला गया है 25/11/2019 से पहले सारी प्रोसेस आपका डिवीज़न को कंप्लीट कर लेना है, जिससे 2/12/19 को इनका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाए। तो ज्वाइनिंग डेट 25/11 से पहले आपको भेजा जाएगा, इशू कॉल लेटर हो जाएगा, ये सारी प्रोसेस 25 तक हो जानी चाहिए, तब आपको 2 तारीख से आपको ट्रेनिंग में भेजा जाएगा, यानी 2/12/2019 से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। उसके बाद अगले में देखेंगे तो एक और पैनल है, एक और पैनल में नीचे की तरफ देखेंगे तो एक और इसी में जुड़ा हुआ एक और लिस्ट है, ये भी 24 तारीख का ही लिस्ट है, जिसमें आपकी ये पैनल 16/10 के बारे में है, 16/10 की पैनल जो आई थी 1/2, इसमें टोटल कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा है, कितने हैं तो 50 हैं, पहले में 42, यहाँ पे 50, टोटल जोड़ देंगे तो 92 कैंडिडेट इस पैनल लिस्ट में आ जाएंगे। इसको एक एक करके नीचे की तरफ देखेंगे तो देखिए यहाँ भी वही प्रोसेस लिखा हुआ है, जिसमें आसनसोल में 32 और मालदा में 18 और आपका मैकेनिकल एलपी मैकेनिकल कैटेगरी नंबर 2 का ही पोस्ट अलॉटमेंट है, सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर नेम, कम्युनिटी और कंसीडर्ड अगेंस्ट कौन सी वैकेंसी के हैं और पेस्ट प्लेस एंड पोस्टिंग, तो ये सारा मालदा डिवीज़न और आसनसोल डिवीज़न का है। इनका भी नीचे की तरफ देखेंगे तो सारी प्रोसेस एक एक करके 50 तक आएगी, 50 तक में अगर देखें तो मैक्सिमम वैकेंसी यूआर की है, केवल एक पोस्ट ऐसा है जो एसी का है, शेड्यूल कास्ट का है, वो पहले वाले में ये एसी का एक ही पोस्ट है जो यहाँ पे शेड्यूल
कास्ट का है, बाकी सारे जितने भी है तो वो UR के अगेंस्ट है। हालांकि OBC वाले भी हैं, SC वाले भी हैं, ST वाले भी हैं, सब लोग हैं। ST का तो कमी है, ST का दिखा नहीं। अब इनके लिए भी दिया गया है कि इनको भी 2/10 से 2 दिसंबर से ट्रेनिंग स्टार्ट होगा और इनकी ज्वाइनिंग 25/11 से होगी। तो चलिए एक बधाई और शुभकामना, जो लोग कह रहे थे कि ज्वाइनिंग नहीं आएगा, लेट हो रहा है, तो ये ज्वाइनिंग आपके घर पे जल्दी ही पहुंचने वाला है, जिनका 92 लोगों का इसमें नाम है। और RRB मालदा में थोड़ी सी अगर कर लें तो पैनल 1 में 167 लोगों का नाम आया था, पैनल 2 में लोगों का नाम आया था टोटल मात्र 41, पैनल 3 में बात कीजिएगा तो टोटल 203 आया था, और उसके बाद पैनल 4 में 16 लोगों का नाम आया था। कुल मिला के ये करीब 419 के आसपास बन रहा है लिस्ट, 419 कैंडिडेट का यहाँ पे पैनल आया है, उसमें से कुछ पैनल आपने 100 से प्लस पहले देख लिया था और 92 यहाँ आ गया, मतलब 200 के आसपास लोगों का पैनल ज्वाइनिंग की प्रोसेस हो रही है। साथ में आपकी डिवीजन अलॉटमेंट भी हो गया है और ट्रेनिंग स्टार्ट का भी डेट दिसंबर से है। थैंक यू।